हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं खुशबू नर्सरी शेयर करूंगी। और जहां तक देखा जाए दिल्ली में आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बट मैं आप लोगों से हर एक नर्सरी शेयर करती रहूंगी, जो भी उनके यहां प्लांट आएंगे और क्या क्या प्राइस है वो भी मैं आप लोगों से। देखिए स्क्रीन पर मैं इनका नंबर दे रही हूँ, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर और एड्रेस तो दे ही देती हूँ। और ये कमलेश नर्सरी के जस्ट बगल में है, जैसे हीना नर्सरी हुआ, प्रिया नर्सरी हुआ, कमलेश नर्सरी के ये बगल में ही है। तो इनके यहाँ पॉट वगैरह आप ले जा सकते हैं, पॉट की तो इनके यहाँ बहुत सारा सुंदर कलेक्शन है, हैंगिंग पॉट से लेके जो आयरन स्टैंड वगैरह होता है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्टिलाइज़र भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वैसे तो सारे नर्सरियों में एक ही जैसे प्लांट है, लेकिन क्या कुछ मैं हर्ब शेयर करूँगी, कुछ बहुत अच्छे से हर्ब जो मेडिसिनल प्लांट है वो मैं आप लोगों से ठंडियों में ज़रूर इन प्लांटों को लगाएं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे तो सारे नर्सरियों में एक ही जैसे प्लांट के रेट है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ये नर्सरियों में इनके यहाँ कुछ यूनिक प्लांट है। और जो भी प्लांट है मैं उनकी क्या प्राइस है, उसकी क्या ग्रोथ है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। इनके प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है और कुछ यूनिक वेराइटी भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये रोड के किनारे है, तो ये बोर्ड के साथ इनके खुशबू नर्सरी दिख जाएगी। और ये बहुत पुरानी नर्सरी है, ये पहले पुस्ता वाले रोड में थी, अब इधर ये रोड के साइड लेके आए हुए हैं। और गुलदावरी की बहुत सुंदर कलेक्शन है, अगर कोई कलेक्शन कलेक्ट करना चाहता है तो यहाँ से आप गुलदावरी के भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है ले जा सकते हैं। हिबिस्कस भी इनके यहाँ बहुत सारा आया हुआ है। और पॉली बैग में तो इनके यहाँ बहुत कम है, ज़्यादातर पॉट में ही इनके यहाँ हिबिस्कस आया हुआ है, लेकिन जो भी कलेक्शन है हिबिस्कस के बहुत खूबसूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखें खुशबू नर्सरी में इनके प्लांट के क्या प्राइस है और इसकी क्या ग्रोथ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सारे नर्सरियों में एक ही कलेक्शन है, जैसे पिटूनिया वगैरह हुआ, स्टार पिटूनिया ये हुआ, तो एक ही है, 20 रुपीज़ इनके दाम है। और इनके यहाँ कुछ ये हाइब्रिड वाले रेड कलर के गुलहड़ आए हुए हैं, और बहुत ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी और हेल्दी है। तो भैया एक उठा के दिखा रहे थे, ये एक दो ब्रांचेज हैं, और किसी में तो एक ही ब्रांचेज हैं, जो कि आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। ऐसे देखने में तो ये देसी की तरह ही लग रहा था, लेकिन बता रहे थे कि ये हाइब्रिड वाला है। तो लेकिन कलर एक ही है, रेड कलर, सिर्फ मुझे इसमें रेड ही कलर दिखा। और प्लांट की ग्रोथ देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, तो जो रेड कलर का ले जाना चाहता है ये हाइब्रिड वाला वो यहाँ से ले जा सकता है। और ये काश्मीरी रोज है, और ये स्नो वाइट रोज है, जो कि 90 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। ऐसे देखिए ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे ब्रांचेज के साथ है। और ये पुणे वाली वेराइटी है, रेड सॉइल में देख ही सकते हैं, 6 इंच के पॉट में लगा हुआ दिखा रहे थे। एक्चुअली मैं बोली कि और जगह तो 80 रुपीज़ में है, तो इन्होंने बोला कि मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इधर ये सिनेरेरिया है, जो कि पॉट में आप यहाँ से 120 में ले जा सकते हैं। और ये तो बर्ड्स के साथ है, और कुछ उनके और भी अगर साइड में खिले हुए हैं, जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि अगर आपको जो कलर पसंद हो वो आप कलर अपने मनपसंद कलर देख के ले जा सकते हैं। ये तो सारे काश्मीरी रोज है, जो कि बड़े से पॉट में लगा हुआ है, यानी 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, आप यहाँ से 150 में ले जा सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी भरी है, और देख ही सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेज के साथ निकला हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, पूरा भरा हुआ प्लांट है। और ये पॉट के साथ 10 इंच के पॉट के साथ 150 में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये काश्मीरी रोज और ये स्नो वाइट रोज की तो काफ़ी भरमार है इनके यहाँ। और मैरी गोल्ड तो आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जाइए, बहुत ही ये तो बहुत लास्ट तक इसमें फ्लावरिंग होती है। और पेंजी तो ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत यूनिक फ्लावरिंग प्लांट है। तो एक तो बड़ी वाली तो इनके पास पेंजी है ही, और छोटी वाली ये क्यूट से पेंजी है, ये ज़रूर लगाएं, बहुत प्यारा लगता है जब बास्केट को पूरा भर लेता है। तो बहुत सारे मल्टी कलर में है इसमें भी,
आप यहाँ से ये 30 रुपीज़, देखिए फूलों से जब भर लेता है तो इसमें पत्तियाँ कम फूल ही ज़्यादा दिखेंगे। बड़े वाले पेंजी से तो मुझे ये छोटे वाले बहुत खूबसूरत लगे। और ये देखिए डबल सेट में है ये, और ये आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ देख ही सकते हैं, काफ़ी भरा हुआ है। अगर एक बास्केट में अगर दो प्लांट लगा ले मिक्सर मैच करके तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इधर सालविया है, सालविया की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ये भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और ये कालनचोई जो हाइब्रिड वाला कालनचोई है, ये इन्होंने पॉट में लगा रखा है, 8 इंच के पॉट में होगा। और ये आप यहाँ से आप 150 में ले जा सकते हैं। भरा हुआ काफ़ी प्लांट है और बहुत हेल्दी प्लांट है। और पिंक ज़्यादातर मुझे पिंक दिखा, पिंक वाइट आप यहाँ से ले जा सकते हैं। कलर उतना पता नहीं चल रहा था क्योंकि इन्होंने अभी बर्ड्स ही इसमें आ रहे थे, लेकिन प्लांट की जो भी इसमें है ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप इसमें से अलग करके बहुत सारे प्लांट तैयार भी कर सकते हैं। और ये अलाइसम है, अलाइसम आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। काफ़ी खुशबू होता है, बीजों से बहुत सारा प्लांट हर साल आपके गार्डन में ये तैयार हो जाएगा। और इधर हाइब्रिड भी बहुत सारा इन्होंने इस बार ले के रखे, लेकिन इनके यहाँ जो भी हाइब्रिड आया हुआ है इन्होंने पॉली बैग में नहीं रखा है, सारे 10 इंच के पॉट में रखे हुए हैं। और लेकिन इसकी जो कलेक्शन है काफ़ी सुंदर है। और इधर ये देखिए, ये आप गुलदाबदी ले जा सकते हैं जिसको अगर कलर कलेक्ट करना है। वैसे तो पूरे तरह से ये खिल गए हैं, ये पॉट में लगाया हुआ है, 150 में ले जा सकते हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि अब ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, बर्ड्स वाले ले जाएं जिसमें कलियां ढेर सारी हो वो ले जाएं। और ये देखिए दो कलर में बहुत ही खूबसूरत ये पम्पम वाली वेराइटी है, तो इसे ले जा सकते हैं। इसके नीचे से बहुत सारे प्लांट निकल रहे थे, अगर ऊपर से आप काट दीजिएगा तो आपके ये परमानेंट प्लांट की तरह ये आप फिर से ग्रो कर सकते हैं अगर इसे सेव करके रखे तो। तो बहुत खूबसूरत ये पम्पम वेराइटी की इनके यहाँ गुलदाबदी है, ज़रूर ले जाएँ। और इधर ये जरबेरा है, जरबेरा पॉट में लगा हुआ है, आप 150 में ले जा सकते। कोई कोई प्लांट ठीक थे, कोई कोई प्लांट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मरे हुए प्लांट थे। और कलर ज़्यादा कलर ऑप्शन जरबेरा में दो ही थी, पिंक था और रेड, और बस येलो एक कलर था। और इधर सकुलेंट इनके पास रखा हुआ है, पॉट के अनुसार ये इनके दाम है। जरेनियम है, जरेनियम की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 150 में ले जा सकते हैं। ये भी विंटर का परमानेंट प्लांट है, और एक बार ले जाइएगा तो इसे अगर बचा के रखिएगा बारिश के टाइम में, तो जरेनियम भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे इसमें ऐसे एक डंडल की तरह निकलता है, देखिए पूरा पॉट भरा हुआ है, बहुत हेल्दी प्लांट है। बहुत सारे इसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगे जरेनियम में, और बिल्कुल फ्रेश प्लांट है, बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। तो ये सब प्लांट जो होते हैं विंटर के, वो पैसा वसूल प्लांट होते हैं, यानी कि ये परमानेंट होते हैं। और ये हाइब्रिड रोजे जो 90 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, जो पॉली बैग में है, पॉट में है तो ये 150 में ही है इनके। और वही है पुणे वाली वेराइटी है, डैंथस भी है इनके पास, अच्छा कलेक्शन है। कुछ पॉट में जो लगा है उसके प्राइस अलग हैं, और जो पॉली बैग में लगा है उसके प्राइस वही 20 रुपीज़ में डैंथस है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादातर 20 रुपीज़ में ही है। और ये पॉट में लगा हुआ हाइबिस्कस आपको 200 में मिल जाएगा, 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, बहुत बड़े वाले साइज की हाइबिस्कस है ये। और इन्होंने बहुत सारा इस बार हाइबिस्कस, ज़्यादातर मुझे रेडी कलर दिखा, और उतना ऑरेंज रेड, और ये कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और येलो में था। और देखिए मैंने बोला था खिले हुए ये सिनेरेरिया है, जो कि आप 120 में ले जा सकते हैं। इसमें कलर आपको पता चल जाएगा कि कौन से हैं कलर है, बहुत खूबसूरत सिनेरेरिया। ऐसे गुच्छों में फ्लावरिंग आता है, जिसके आप कम धूप आती हो, एक दो घंटे की बालकोनी एरिया में ये फ्लावर प्लांट सिनेरेरिया रख सकते हैं। इसको ज़्यादा तेज़ धूप, ज़्यादा देर धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कम धूप वाले इसे लगा सकते हैं। कम धूप वाले ये पोनसेटिया भी लगा सकते हैं। और देखिए पोनसेटिया इनके यहाँ दो कलर में है, और 250 में ले जा सकते हैं। एक रेड में है, एक ये देखिए पिंकिश वाइट कलर में है, बहुत ये यूनिक वाला एक है। तो ये भी बहुत अच्छा, इसकी भी ग्रोथ अच्छी थी पोनसेटिया की। ये भी कम धूप जहाँ आती हो आप वहाँ रख सकते हैं, और ये भी कम धूप वाले हैं, इंडोर भी इंडोर प्लांट है, यानी कि 2-3 घंटे की धूप आती हो वो इन प्लांटों को रख सकते हैं। एग्लोनीमा की वेराइटी है, कुछ इन्होंने यहाँ रखी हुई है।
तो काफ़ी फ्रेश प्लांट ने अभी कुछ ही दिन पहले आया हुआ है इनके यहाँ न्यू कलेक्शन। और ये देखिए स्नो वाइट बता रहे थे कुछ ऐसे है, एग्लोनीमा की सारी वेराइटी है, लिपस्टिक एग्लोनीमा, पिंक एग्लोनीमा है, तो तीन चार वेराइटी है। और ये तो यहाँ देख रहे हैं ये 200 में पॉट के साथ है। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो ये एग्लोनीमा ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत है। और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ये 200 में है, और ये ऊपर वाला ये भी 200 में है। और भैया दिखा रहे थे, तो देखिए इनका एक पॉट भी गिर गया, बोल रहे थे कि उठा के दिखा दीजिए। तो ये पूरा देख ही सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और ये कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है, इन्होंने मिट्टी के साथ कोकोपीट ऐड किया हुआ है, 6 इंच के पॉट में है। तो यहाँ से ये प्लांट ले जा सकते हैं, जिनके यहाँ कम धूप आती हो ये इन प्लांटों को लगा सकते हैं, और ये कलरफुल लुक भी देते हैं, कम केयर भी इनको, ज़्यादा केयर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये 300 में है, पिंक एग्लोनीमा है, और इसे लिपस्टिक एग्लोनीमा तो ये ऊपर वाला है, तो ये सब आप वहाँ से ले जा सकते हैं, काफ़ी फ्रेश प्लांट है। और विंटर प्लांट आपको सारे मिल जाएंगे, ये मंकी फ्लावर है, कैनेलुला है, सब 20-20 रुपीज़ में आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो बहुत सुंदर कलेक्शन है, इनके यहाँ आप रोज़ ज़रूर ले जाएं। इन्होंने नॉर्मल गार्डन सॉइल में बहुत पुराने पुराने रोज़ 150 में लगा रखे हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो निकाल के ले जा रहे हैं, और बहुत सुंदर सेडेड में था। तो कलेक्शन तो बहुत खूबसूरत है, और नर्सरी बिल्कुल रोड के किनारे है, अच्छे धाम वाले जो लिंक रोड जाती है अपोजिट साइड, वहाँ से आप ये आ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एड्रेस पूछ के आ सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल रोड के किनारे है, कमलेश नर्सरी के बिल्कुल बगल में है। और देखिए ये इंजॉय पोथन मुझे बहुत खूबसूरत दिखा, पूरा भरा हुआ बास्केट था, और ये आप 250 में ले जा सकते हैं। कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनी प्लांट की एक वेराइटी है। और ये भी एक नॉर्मल गोल्डन मनी प्लांट था, वो भी 200 में ऐसे था। इधर देखिए इनका लीलियम है, लीलियम तो बहुत सुंदर इनके हेल्दी प्लांट थे, और इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे। ये आप यहाँ से 100 रुपीज़ में, ये बल्ब से लगता है, तो एक बार फूल खिलने के बाद आप इसे कट करके एक रख दीजिएगा, तो बल्ब से फिर अगले साल आप ग्रो कर सकते। इसमें रेड है, येलो है, पिंक है, मजंडा है, बहुत सारे कलर हैं, आप लीलियम भी ले जा सकते हैं। विंटर का बहुत ही खूबसूरत बल्ब से लगने वाला प्लांट है, और देख ही सकते हैं इसके फ्लावर कितने खूबसूरत लगते हैं, एक एक फ्लावर बहुत दिनों तक बना रहता है लीलियम के, और इसी टाइम ये खिलता है। इधर डहेलिया है, डहेलिया भी इनके जो प्लांट की ग्रोथ है बहुत अच्छी है, और जो पॉली बैग में है आप यहाँ से 40 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, और जो इन्होंने पॉट में लगाया है वो आप यहाँ से 60 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो डहेलिया भी विंटर का बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, एक फूल खिल जाता है बड़ा सा, तो पूरे गार्डन में अलग ही खूबसूरती बिखेर देता है। और इधर ये इनके प्राइम रोज हैं, पॉट में लगे हुए हैं, पॉलीबैग में तो मैंने नहीं देखा, ज़्यादातर इन्होंने पॉटी में लगा रखा है। तो ये कुछ खुशबू नर्सरी के ये कलेक्शन थे, ज़्यादातर सेम ही कलेक्शन है सारे नर्सरियों में, और मैंने शेयर कर दिया, अगर आप उधर जाएँ तो आप इन प्लांटों को ले जा सकते हैं। इनके हर्ब भी है, थाइम वगैरह है, तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो देखिए ये थाइम है, ऑरिगेनो है, तो कुछ ऐसे 4-5 अच्छे हर्ब्स यहाँ रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख के ले जा सकते हैं। तो ये कुछ खुशबू नर्सरी के प्लांट थे जो आप लोगों से मैंने शेयर किए। थैंक यू।